हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ तो ये आप देख सकते हो, ये है जो कि रोज़ कुकीज़। तो ये मैं सूजी का बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा जो मार्केट में मिलता है वो मैदे का मिलता है, तो मैदे का मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सूजी का बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैंने 4 कप सूजी लिया हुआ है, 4 कप सूजी लिया हुआ है और 1/2 कप ये मैंने मिल्क लिया हुआ है और चीनी लिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, मैंने जो शुगर लिया है, जो कि एज़ पर टेस्ट आप दे सकते हो, उस पर डाल सकते हो। अब अगर ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा डालना, अगर कम मीठा डालना है तो कम डालना, और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, अभी तो हम इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके, अब सूजी में क्या करना है, मिल्क को थोड़ा थोड़ा इसको मिलाना है, और अभी मैं चीनी डाल रही हूँ, उसके बाद नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। धीरे 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 करके हमको उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी हम इस पर पानी मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको अभी हम 1-2 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी देखिए, 2 घंटा हो गया है और सूजी जो चीनी है वो पूरा मेल्ट हो गया है। तो अभी हम तेल को गर्म होने के लिए कढ़ाई पर रख देंगे। तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक ये जो ये मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है, और 1/2 टीस्पून का बेकिंग सोडा आपको यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो अभी वो जो मिक्स था सूजी का, उसमें हमको बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छे से पूरा मिक्स करना है। और आप देख सकते हो, ये जो बैटर है ये ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो ये देखिए, मैंने रोज़ कुकीज़ डाल लिया हुआ है और उसको अभी ये जो गर्म तेल में मैं उसको रखूँगी गर्म होने के लिए। अभी इस पर 2 डिनर स्पून में मैदा लिया हुआ है, और वो सिर्फ आप ले सकते हो या फिर आप नहीं भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। बस मैं लेती हूँ 2 चम्मच मैदा, उसमें डालती हूँ और मिक्स करती हूँ। तो आप देखिए, अभी इस तरीके से हम लोग उसको फ्राई करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो टाइम से आप तक पहुँच सके। सूजी का ये जो रोज़ कुकीज़ मैं बनाने जा रही हूँ, ये आप लोग मतलब 2-3 महीने तक भी स्टोर करके इसको रख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। मैं खुद अपने बेटे के लिए रखती हूँ, 2-3 महीना मैं स्टोर करके डब्बे में रखती हूँ, इसका कुछ भी मतलब ख़राब नहीं होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है। तो आप सूजी का एक बार बना के देखिएगा ये कैसा बन रहा है। तो धीरे धीरे करके आप एक ही टाइम पर 3-4 आप ये जो रोज़ कुकीज़ है उसको फ्राई कर सकते हो, और आप जब तक ये पूरा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं आता है तब तक हमको इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। आप ज़्यादा हीट मतलब नहीं करना है तेल को, क्योंकि ये जो है ये पूरा मतलब जल्दी ही ब्लैक कलर का हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऐसे ही ब्राउन कलर का आएगा, तो आप इसको निकाल लेना। तो अभी आप देख सकते हो, ये पूरा जो मेरा जो रोज़ कुकीज़ है वो पूरा कैसे क्रिस्पी बना है, और मैं अंडा भी नहीं डालती हूँ, ये पूरा बिना अंडे वाला मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हो ये पूरा कितना क्रिस्पी बना है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू।